ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा मैं करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेज इसका यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे कि गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें, कि मतलब कि ये फोटो यार काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूं गाइस आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी लगेगी, इस चीज की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूं आप सभी को। बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो गाइज इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आपको मॉडल ऐड करना अपना कोई सा भी, ठीक है। कोई सा ही मतलब कि आपको वही मॉडल ऐड करना है जो आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है, उसी मॉडल को ऐड करना है, यानी कि मतलब पोज वोज देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, गाइज आप जब अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर दोगे तो उसके बाद जो गाइज साइज़ वगैरह आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कि गाइज मैंने कई बार देखा है आप लोग जो मेरे को फोटोस टैग करते हो इंस्टाग्राम में गाइज, उसमें कई बार क्या होता है कि मॉडल का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को जो है मॉडल को बैकग्राउंड के हिसाब से ही आपको ऐड करना चाहिए। जैसे गाइज देखिए जो बैकग्राउंड है इसमें गाइज देखिए मॉडल का जो साइज़ है मैं इतना रखूँगा तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको हम इतना रखते हैं साइज़, ठीक है। बाकी आप अपने मॉडल के हिसाब से देख लेना आपको कितना हाइट रखना है। बाकी शेडो बनाने के लिए आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, एंड इसको लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको जो फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड इसको यहाँ पे रख देना है, एंड इरेजर टूल में जाना आपको इसको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट कर देने के बाद आपको साइज़ छोटा करना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड यहाँ पे जो गाइज आपको पैरों को नीचे इस तरीके से पेंट करना है। अब गाइज देखिए यहाँ पे हमने इतना काम तो कर दिया, ठीक है। बट गाइज इसमें अभी आप सभी को एक शेडो और बनानी है, ठीक है। तो अभी इसको शेडो को बनाने के लिए आपको अगेन जाना है ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में सो गाइज आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, और उसमें गाइज आपको जो है मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स वैसे ही आपको स्क्रीन का मतलब थोड़ा बड़ा कर देना इसका साइज़, एंड इरेजर टूल में जाना है इसको इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश का साइज़ को जो है मतलब छोटा ही रखना, ठीक है, बड़ा मत रखना, क्योंकि यार बड़ा रखोगे तो फिर वो शेडो बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम जो है इसको छोटा कर लेते हैं साइज़ को, अराउंड इतना रख लेते हैं, एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे शेडो बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड जो गाइस शेडो जो है ना गाइस जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अच्छा वर्क किया करो, मतलब कि मतलब जितनी ज़्यादा शेडो रियल लगेगी ना आपकी उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो जो है मतलब अच्छी लगेगी, मतलब सारा कमाल जो हमारी फ़ोटो में होता है ना वो शेडो का ही होता है। अगर शेडो मतलब अच्छे से नहीं बनाओगे तो मतलब जो है फ़ोटो जो है फेक लगने का बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसकी शेडो बना ली है, एंड इसकी जो ओपेसिटी है ना हम बहुत ही ज़्यादा कम रखेंगे, अराउंड 20 तक कुछ रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम इसको यहाँ पे सिंपली इसको कर देंगे डन। अब गाइस देखिए इसमें अब जो हमें कुछ इसमें PNG वगैरह भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में। पहले इसमें एक लाइट का PNG ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड कर लेंगे उसको, एंड इसको ऐड करने के बाद जो है जिसका जो ब्राइटनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, तो पहले इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखिएगा जिसका जो मतलब लाइट है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको लिए आपको क्या करना है, पहले तो इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से कुछ इतना रख लेना है, मतलब अराउंड 60 तक कुछ रखना, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा लगे तो इसको भी कम ही कर लेना, ठीक है। बाकी आपको उसको जैसे इस तरीके से पतला कर देना थोड़ा सा, एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, एंड जो है गाइस इसका जो साइज़ है आपको उसको भी बड़ा करके रखना है, ठीक है, मतलब कि जो इस तरीके से आपको उसको साइज़ जो है इस तरीके से लंबा सा करके रखना है, ताकि जो आपके पूरी बॉडी में एक बार में आ जाए, आपको ज़्यादा मतलब PNG ना लगानी पड़े ये लाइट की। तो आपको जो इसका एक डुप्लीकेट करके आपको सेम इसी साइड में आपको इसको लगा देना है, बाकी इस साइड में आपको उसका साइज़ छोटा कर देना है। गाइस इतना हो जाने के बाद जो आपको साइज़ कुछ इतना रख लेना है, एंड उसके बाद जो है आपको इसको सिंपली डन करके, एंड उसके बाद आपको इसमें आगे की तरफ क्या करना है, अब इसको हम फिलहाल डन करते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। तो अभी जो है मतलब इसकी ओपेसिटी जो है ना मेरे को ज़्यादा सी लग रही है, तो मैं इसको यहाँ ना यहाँ पे कम ही कर लेता हूँ। बाकी जो गाइस कम कर देने के बाद जो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली इसको डन कर देना है। फिर उसके बाद इतना हो जाने के बाद जो आपको अगेन जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे एक पार्टिकल का PNG ऐड करना है आप सभी को, एंड इसको ऐड कर देने के बाद जो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है पहले तो, ठीक है, एंड उसके बाद जो आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, मतलब फुल स्क्रीन मतलब कि इतना कर देना है,
ठीक है, जो कि ताकि पार्टिकल वगैरह जो है थोड़ा दिखे भी, ठीक है। उसके बाद जो आपको हल्की सी इसकी ओपोसिटी कम करनी है अराउंड कुछ यहाँ पे 40 तक के आसपास रख लेना, ठीक है, 40-50 के बीच में, एंड उसके बाद कर देना आपको डन। इतना हो जाने के बाद जो है गाइस आपको सिंपली अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना बिना कुछ छेड़े, ठीक है। एंड बाकी इसमें रीटच करके इसको और भी अच्छा बनाते हैं अभी, तो उसको हमने सेव कर लिया यहाँ पे। तो अभी सीधा हम लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे एंड फोटो को हम वहाँ पे ऐड करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को अब जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। स्लाइड वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे हल्का से इसको माइनस करना है, हाईलाइट है जिसको इंक्रीज़ करना है, शेडो जो है इसको इंक्रीज़ करना है, एंड जो वाइट है जिसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। फिर उसका जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको वहाँ पे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद जो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ानी है, ठीक है, वाइब्रेशन एंड सैचुरेशन को कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर को कम करना है। एंड इसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस को जो बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है येलो कलर में, ह्यू को कर देना है माइनस, सैचुरेशन को कर देना है प्लस। ग्रीन कलर लेना है, ह्यू बढ़ाना है, सैचुरेशन प्लस। उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, ब्लू कलर लेना है, इसका ह्यू बढ़ाना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, एंड उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल इस वाले टूल में जाने के बाद गाइस आपको पहले फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, ठीक है। फोटो में विग्नेट डालना हल्का फुल्का जो भी है, मतलब अपने फोटो के हिसाब से, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको वहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, ठीक है, इसको बढ़ा देना थोड़ा हल्का सा, जो है ना फोटो में थोड़ी सी नॉइस आ जाएगी हल्की सी। तो उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोटिफिकेशन डाल देना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है इसका, एंड कलर नोटिफिकेशन इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एकदम एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ आप सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।